दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अक्टूबर 9, 1954 में पास किया गया था। इंडिया हमारे देश में मैरिज अप्रूव या सोलनाइज दो तरीके से होती है, एक पर्सनल रिलीजियस लॉ जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट, इसमें कपल सेम रिलीजन का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम और मैरिज हिंदू एक्ट के अंडर हो रही है तो लड़की को अपना धर्म बदलना पड़ेगा, ऐसा रिलीजियस पर्सनल लॉ कहते हैं। और यदि लड़की अपना धर्म बदलना नहीं चाहती तो उनकी मैरिज पर्सनल रिलीजियस लॉ से नहीं हो सकती, इसके लिए उसे स्पेशल मैरिज एक्ट का रुख करना पड़ेगा। हमारे देश में इंटरफेथ कपल्स के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती। इस कानून की कुछ शर्तें हैं जैसे कि लड़का लड़की पहले ही शादीशुदा नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, लड़के के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष, शादी सोलमनाइज होने से 30 दिन पहले कपल को डिस्ट्रिक्ट मैरिज अफसर को रिटर्न में नोटिस देना पड़ता है। बाद में डिस्ट्रिक्ट मैरिज अफसर अपने दफ्तर में उस नोटिस को लगा देता है, उस पर अब कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैरिज अफसर मैरिज सोलमनाइज करने से पहले ऑब्जेक्शन की सच्चाई देखेंगे और यदि कोई धोखाधड़ी और झूठ नहीं पाया जाता तो मैरिज सोलमनाइज कर दी जाती है। और फिर कुछ दिन बाद कपल और 3 विटनेस को डेक्लरेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के सामने साइन करना पड़ता है और जब डेक्लरेशन फॉर्म साइन हो जाता है तो कपल को मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट अब सुर्खियों में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की इंटर रिलीजन मैरिज के बाद आया। उनके हस्बैंड फहाद जिरार अहमद एक मुस्लिम है और कपल ने अपना धर्म नहीं बदला और अपनी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की। धन्यवाद।